बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। और अभी मैं कल से आया था, कल से मैं भगवंत मान जी के यहाँ घूम रहा हूँ। और ये वाली सीट तो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? जीत रहे हैं ना सब लोग? तो उसके बाद मैं कल फरीदकोट जाऊँगा, उसके बाद बठिंडा जाऊंगा, फिर एक दो जगह और जाना है। सर इस सीट की बात कर रहे हैं, पंजाब की अगर बात करें तो 13 सीटों में से कितनी सीटें देखते हैं? ज़्यादा काफ़ी आनी चाहिए, देखते हैं, कोशिश करेंगे। किससे मुकाबला? अब अकाली पंजाब के अंदर अकाली दल से तो मतलब बिल्कुल उनसे तो नफरत करते हैं पूरे पंजाब के लोग, और कांग्रेस से टक्कर है। सर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उससे मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि भगवंत मान पिछले जितने वोट से जीता था उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। सर दूसरी बात, कल भी विरोध हुआ है आपकी, वो तो उनसे पूछा जाके, आप भी पूछते थोड़ा सा, आप तो सारे खोजी पत्रकार हो, आप जरा उनसे पूछते। वो बोले जी पता नहीं क्यों लाए हैं, 250 रुपए दिन के हैं। तो वो 250-250 रुपए, कैप्टन साहब ने पिछली बार चुनाव के पहले बोला था मैं रोजगार दूंगा, उन्होंने कुल मिला के 500 रोजगार दिए हैं। वो 250-250 के किराए पे खड़े हुए जो काले झंडे दिखाने वाले, बस यही रोजगार उन्होंने 4 साल में दिया। मुद्दों पे इस बार इलेक्शन लड़ी जा रही है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी कह रही है जैसे दिल्ली में अच्छे काम करे ऐसे पंजाब में अच्छे काम करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है भगवंत मान ने जिस तरह से संसद में पंजाब के मुद्दे उठाए, आज तक 70 साल में किसी भी कांग्रेस वाले ने या किसी भी अकाली दल वाले ने उठाए। भगवंत मान ने सबसे बड़ा काम किया 27 दिसंबर 2018 को साहिबजादों की कुर्बानी के लिए, उसने पूरी संसद से श्रद्धांजलि दिलवाई, पूरी संसद से। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि साहिबजादों की श्रद्धांजलि पूरी संसद ने, सारे बड़े बड़े नेता, आपने देखोगे राहुल गांधी वगैरह सब खड़े होके, और वो भगवंत मान के प्रयास से हुआ। बादल साहब गए, उन्होंने क्यों नहीं करवाया संसद में? गए ढींडसा साहब संसद में गए, उन्होंने क्यों नहीं करवाया? कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता 70 साल में गए, उन्होंने क्यों नहीं करवाया? 70 साल के बाद आज भगवंत मान ने किया है। और अब ये प्रस्ताव पारित हो गया कि हर साल 27 दिसंबर को छोटे साहिबजादों को श्रद्धांजलि देगी देश की संसद। तो भगवंत मान ने जिस तरह से काम किए हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ़ हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से मैं जा रहा हूँ, जनता जो प्यार करती है उनको बहुत भारी मतों से जीते। वो कांग्रेस मुकर गई, क्या कारण बना उसका? बट कारण नहीं बताया, उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। नशे के मुद्दे पर आपने पीटीआई से माफी क्यों मांगी थी? उस समय पहले तो आप नशे का काफी बोलते थे। मैं नशे के खिलाफ आज भी हूँ, नहीं कोई नहीं है, मैं अभी देखो आप यहीं थे, मीडिया में है, बस मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, कुछ कुछ छापते रहते हैं। अभी देखो बोलेंगे आप, वही बोलेंगे। सुनो, अभी मैं आपके सामने था, यहाँ 300-400 लोग थे, आम आदमी थे कि नहीं थे? ये लोग जनता थी, किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। ये जनता का मुद्दा नहीं है, ये आप लोगों का मुद्दा है। लेकिन मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मेरे ऊपर इन्होंने सारों ने मिलके इतने केस कर दिए थे, 33 से ज़्यादा केस थे मेरे ऊपर, और उसके बाद सारे केसों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गई थी। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठने पे हर डेली मेरे पास दो तीन पेशी आने लग गई थी कोर्ट की, एक बॉम्बे से, कोई इधर से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई उधर से। मेरे को दिल्ली की जनता ने, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, स्कूल अस्पताल बिजली पानी सड़क ठीक करने को बनाया, या तो मैं 24 घंटे कोर्ट में बैठा रहूं और या मैं जनता का काम कर लूं। तो मैंने एक दिन तय किया मैं सारे केस बंद करूंगा, सबसे कह देता हूं भैया आपके कोर्ट कचहरी।